ऐसा देख जादू वो टूट गई। रुक तो एक मिनट की तो। हाँ क्या गीत आराम से बेटा पैर देखे पैर देख क्या कर रहा है नीत क्या देख रहा है क्या देख रहा है बाहर अरे वाह। नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये है पहचानो कौन। इतने साल से आप हमारा चैनल देख रहे हैं और नहीं पहचान पाए तो फिर तो भाई साहब सोचना पड़ेगा आप लोगों को कौन है ये। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा जब तक आप गेस करो। और अभी अभी हम आज कुछ रील शूट करी हैं। आज हमने छुट्टी ले ली है क्योंकि आज हमको हमारे जो ये घर हम खाली करने वाले हैं तो उसकी पैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। भूख लग रही है मैडम जी खरबूजा खा रही हैं। मैडम जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मस्क मेलन मसक के खा रही हैं। और हमने बहुत सारी रील बनाई है सिंपली अंडरस्कोर रचना या मनोज मालवीय 26 पे जाकर देख सकते हैं। और आज हम मैं घर पे हूँ छुट्टी ली है मैंने तो घर की हम पैकिंग जो स्टार्ट करेंगे आज से क्योंकि हमको बहुत जल्दी खाली करना है ये घर। वीडियो पूरा देखना फिर पता चलेगा आपको। चलो दीदी देखते रचना पहचान पाती है नहीं। लेट्स सी एक मदर की टेस्ट। रचना ये बताओ मेरी गोदी में कौन है। मैं आप लोगों को कह रहा था मैं तो फादर हूँ मेरे साथ ही छोड़ो। दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी आ रही है। रचना तो छाछ बना रही भले ही छाछ बना रही मगर टेस्ट कर ले कौन है ये। खड़ो बेटा खड़ो हो जा। मीत निकली रीत तो सो गई है। मुझे क्या लगा था कि छोड़ो मुझसे ही हो गई छोड़ो। चलो कोई बात नहीं फिर आप लोग भी अगर गलत हो गए तो कोई बात नहीं माफ किया। गीत नमस्ते कर दो राधे राधे। गीत की चोटी अच्छी लग रही गीत आपको नहीं अच्छी लग रही। आज भैया चोटी में खूब रोए तो नहीं रोए हैं बस डांट पड़ी गई तो चोटी में इनके बड़े हो गए नखरे होने लगे। ये चोटी नहीं वो चोटी नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही। के नाम मस्क मिलन खा लो सबको बोल लो खा लो आ जाओ कुछ आ जाओ। के नाम मेरा फ्रेंड है कोई क्या कुछ आ जाओ कुछ नहीं आ रहा। के नाम मेरे फ्रेंड है क्या मेरे फ्रेंड्स हैं क्या मेरे को देखते हैं क्या कोई हैं क्या कर रहे हो समर में। के नाम फिश मी है। चलो गीत कुछ कह रही है। दोस्तों पापा गए वॉशरूम में और ये रीत ने गेट लगा दिया है जिसे उसकी हेल्प करी है गीत ने। ये तो मीत है रीत पीछे हो गई है अब लगाने लगे गेट। नहीं खोलो रीत आप क्यों लगाने लगे आप गेट। ये देखे सर इन लोगों ने हाथ पहुंचने लगे हैं और हल्का सा भी अंदर की तरफ हो ना तो ये रीत तो कर लेती है। तो दोस्तों आज है ये दही खिचड़ी और ये आज सादा खाना खाएंगे हम लोग। कैसा है क्या है क्या पी रहे हैं दोस्तों इसको अच्छा नहीं लग रहा क्या है तो मत पियो ना। जीत करके हम नहीं दे रहे थे फेंटा घर में रखी थी मेहमान आए थे तुमने खत्म कर दिया हमें तो लेके आ गया तो ये जीत कर ली अब जीत करके पी नहीं रहे। मैं ही पियो अच्छी नहीं लग रही मत पियो आपको नहीं अच्छी लग रही होगी माजा बात अलग होती है ठीक है रख दो। अरे हमको नहीं चाहिए पीना तो पीना नहीं तो किचन में रख देना मम्मी पी लेंगे। ये मीत है मान लीजिए फिर कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो चल के आई थी पुष्पा जैसे वो पुष्पा जैसे चलती है पर मीत चलती पर मीत भी यहाँ से यहाँ तक चल के आई है बिना सपोर्ट के। मामा पापा बात कर लेंगे
पुष्पा तो मीत भी हल्का हल्का चलने लगी, आता है इसका मन नहीं करता। जैसे रीत में ज्यादा वो है कि मुझे करना ही है। घर पे ध्यान कृपया ना दीजिएगा क्योंकि बच्चे खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, मस्ती करते हैं। थोड़ा थोड़ा चलती है, एक दो कदम। तो मीत ये भी चल रहे बेटो, दांत वैसे देखते नहीं, दांत भी एक दो ही आए हैं अभी इनके। दो दांत आ चुके दोनों के, दोनों। आप ज्यादा बोलोगे बीपी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। आप अकेले नहीं, जिसको गर्मी लग रही, पूरे ब्रह्मांड भारत में पूरी गर्मी है। दो मिनट शांति तो रख लो यार, एसी भी तुरंत थोड़ा ठंडा कर देगा, उसको चालू होगा, टाइम लगेगा। देख जादू, और टूट गई। क्यों क्या था ये जादू? ओम मुम्मा बम बम बम। अरे मेरा खाने का मन हो गया, क्या कर रही है, क्या तमाशे है? तूने रील देखी? चीज तो रील आती है यार, ये कोई रील है तो नहीं, हमने सोचा तू ना मजाक किया जाए, बहुत होशियार बने, गर्मी वाले गर्मी खत्म। आप बोले कि ऐसे मत पकड़ा करो प्लीज यार, मानो जी यार आप देख, मत पकड़ा करो प्लीज यार, आप हाथ से भी पकड़ते हो, मत पकड़ा करो मानो जी, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत दिल की दर्द मतलब मैं कलेजे हाथ में आ गया है। इसकी कैसे दिखाऊं, ये छोटे बच्चे हैं। मां 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 करो प्लीज, मत कर यार प्लीज, आप टच भी मत करो यार। तो इतना क्या यार, तू अकेली माँ है, हम नहीं बाप। तो आप लोग ने कहा था लास्ट प्रैंक में मजा आया, तो क्यों ना एक प्रैंक और किया गया, ज्यादा जादू वाला मैजिक वाला प्रैंक। और इसकी हालत देखो, ये थोड़ी सी ज्यादा ही यहाँ से कमजोर है, माँ है बेचारी, क्या करो यार। दोस्तों तो आपके यहाँ कितना टेम्परेचर है यार, मैं तो पागल, 50 लोगों के यहाँ यार, में मुझे बोलने ही नहीं देता। क्यों बोलना है इस दुनिया में, आज सुनने का भी शक्ति रखो। मैं जा रही हूँ नहाने यार। तू जा रही मतलब इसी घर में जा रही, मतलब कि कहीं लंदन जा रही नहाने, जा। दोस्तों देखो, अपने आप कूल रखना है तो कूल रहना पड़ेगा, गर्मी है साल में 2-3 महीने पड़ती है ना, उनका देखो जहाँ पे ज्यादा पड़ती होगी। हम तो सोचा हिल स्टेशन जाए, मगर हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो मम्मा है ना, मम्मा प्रैंक अच्छा लगा, मजा आया, कॉमेडी था, है ना, है ना, है ना। जिस किसी माँ बहनों को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, रचना की तरफ से सॉरी मैं बोल लेता हूँ। मजा आया कि नहीं आपके भाई का एक और करता, अच्छा लगा और ऐसे देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। हाँ नहा मैडम, थोड़ा अच्छा लगा, आप भी खाना बना के आई ना, इसलिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। चलो तो खाना बन गया, खाना हम खाएंगे और बहुत ही लजीज खाना बनाऊंगा। इतनी गर्मी में बेचारी किचन में काम करती है और उसके साथ हम जैसे पति मिले तो मजे ले रहे हैं, उसके मजाक कर रहे हैं, जो वो भी गलत है, तो सॉरी रचना। चले गीत ने अच्छा किया कि नहीं, गीत हाई फाइव कर दो एक बार। यस गीत और हमारी टीम भाई साहब नंबर वन है मार्केट। चलो ठीक है, मिलते थोड़ी बहुत खाना वाना खाने के बाद। तो दोस्तों रात हो गई है, मैंने सोचा वीडियो को एंड करते, ये खाली सा संसार आप देख रहे हैं। एक्चुअली हम लोग महीनों से बाहर ही सो रहे हैं और मैं नहाने जाने वाली थी, बट बच्चों को भूख लग रही थी, सोचा पहले खाना खा ले, अब मन नहीं करा, बहुत थकान हो गई। पर आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, क्योंकि इसी बीच एक कुंडली कंसल्टेशन भी आ गया था। तो वो था कि देखो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, हमारी लाइफ में है, लाइक उसी तरह किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं, किसी का करियर अच्छा नहीं है। तो एक बात दिमाग में आई अभी माले जी से, मैं शेयर कर रही थी रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि जो हमारा 7th हाउस होता है वो हमारी शादी का होता है और उसे पार्टनर का हाउस कहा जाता है। पार्टनर में देखो, हम हमारा लाइफ पार्टनर भी आ सकता है, बिजनेस पार्टनर भी आ सकता है। तो जो बिजनेस होता है, बिजनेस वो भी वहीं से देखा जाता है। तो लाइक अगर लोगों की शादी नहीं हो रही वहां पे, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर मार्स ग्रह है 7th हाउस में, तो उसे अच्छा करने के लिए जैसे हम बार बार कहते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए तो आपका मंगल ग्रह अच्छा होगा। अब मेरी कुंडली में 7th हाउस में राहु है, तो अगर किसी की भी कुंडली में 7th हाउस में राहु होता है तो आप इजीली बता सकते हो कि उसकी अनकन्वेंशनल शादी होगी। अनकन्वेंशनल मैरिज का मतलब है
कि या तो इंटर कास्ट होगी, इंटर रिलीजियस होगी, या फिर देखने में लाइक मालवीय और देखने में हम लोग एक वैसे कपल नहीं लगते ना कि दोनों 19-20 हैं, लग सकता 15-20 हैं, लाइक मैं मोटी हूँ या हाइट में मालवीय जी छोटे हैं, ऐसा होता है अनकन्वेंशनल। देख रहे हैं विनोद। और पता है मैं मालवीय जी से डाउट क्या क्लियर कर रही थी, वो मैं ये पूछ रही थी मालवीय जी कि जैसे लोग पूछ रहे शादी नहीं हो रही, वो किसी की कुंडली देख के मैं बता देती हूँ कि मतलब इसकी यार शादी तो हुई होगी, मुझे तो लगता है एक से ज्यादा दो तीन शादियां होनी चाहिए। तो देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, शादी हो जाती थी वही पार्टनर माना जाता था, लेकिन यहाँ है कि अगर हम कहीं लिविंग में रह रहे हैं, घर वालों को पता ही नहीं है, लिविंग में रह चुके होते हैं 2-3 महीने, ऐसा केस, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा है, उनके घर वाले परेशान है कि शादी नहीं हो रही, बट हमें पता है कि वो बंदा लिविंग में 3-4 लोगों से रह चुका, तो एज अ पार्टनर वो रह चुके, तो वो पार्टनर वाला हाउस तो एक्टिवेट है उनका, उन्होंने हर चीज वो शेयर की है जो एक पार्टनर से की जाती है। इसलिए देखो कुंडली में ये थोड़ी लिखा होता है सील के साथ की शादी, पार्टनरशिप किसी भी प्रकार की हो सकती है। दूसरी चीज हम कहते हैं कि अगर सेवंथ हाउस में अगर पापी ग्रह मंगल है, राहु है, शनि है, तो देखिए मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है बीच में, जब भी उन ग्रह के अंदर ऐसा मारासा आती है, कभी कभी तो ज्यादा बढ़ जाती है तो तलाक तक बात आ जाती है। तो हम यही कहते हैं कि अगर मंगल है तो एक्सरसाइज करें अपने जो उसके नेगेटिव इफेक्ट है उसको सही कर सकते हैं, राहु है तो मेडिटेशन करें, शनि है तो पति से ज्यादा उम्मीद ना रखें, एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, पति पत्नी एक दूसरे को दोस्त की तरह व्यवहार करें जैसे दोस्तों के साथ किया था, ये मेरा हमारा एक्सपीरियंस है। उम्मीद ना रखें, जो हमने हमारी रिसर्च जितने 3-4 सालों से हमने कुंडली देखा ना उसमें हमने ये पाया है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो ये रहा नंबर, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, पेड कंसल्टेशन है, जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मालवीय जी की मस्ती भी अच्छी लगी होगी और हमारी नोकझोंक अच्छी लगी होगी। जय माता जी। दोस्तों नींद बहुत ही जा रही है आंखों में, कल ऑफिस जाना है, इस महिला का भरोसा है, रात भर जागती है, बच्चे रात भर जगाते हैं। जय माता दी, एसी में सोएंगे, बाय। और कितने ब्लेस्ड हो, हम तो बहुत ब्लेस्ड है, थैंक यू जय माता दी।